सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। जैसे कि गर्मी का सीजन चल ही रहा है और इस वक्त आ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन मीठे मीठे रसीले आम, तो आज हम भी अपने किचन में आम की बनाने जा रहे हैं कुल्फी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये और बनाना इसको बहुत ही आसान है और बच्चे तो इस रेसिपी के बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 लीटर फुल फैट दूध, अच्छा गाढ़ा दूध है ये, और सबसे पहले मैं इसको उबाल रही हूँ। फिर उसके बाद इसको लो फ्लेम पे मैं इतना पकाऊंगी कि ये 1 लीटर से इसका 1/3 हिस्सा रह जाए, यानी 1/4 लीटर से और 1/2 लीटर के बीच ये रह जाए। तो इसमें को मैं बीच में चलाती रहूंगी और इसको मैं गाढ़ा कर लूंगी। दूध में उबाल आ गया है, अब मैंने फ्लेम को अपनी लो कर दिया है। इसको अब मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाती रहूंगी और बीच बीच में इसको चलाती रहूंगी। दूध को मैं साइडों में जमने नहीं दूंगी। तो दूध जब तक पक रहा है और गाढ़ा हो रहा है, मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। ये 3 दशहरी आम हैं, ये पके हुए आम हैं। आप कोई और भी आम ले सकते हैं जो कि रेशे वाला ना हो, जिसके का पल्प इजीली निकल जाए। तो ये मैंने 3 आम लिए हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 कप मैंगो का पल्प लूंगी। तो मैं इनको छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ और 2 कप मैं इन टुकड़ों को यूज करूंगी। उसके अलावा मैंने 4 टेबलस्पून चीनी ली है। चीनी आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। और ये 2 चीजें जो मैंने ली हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं भी डालेंगे तो भी आपकी मैंगो की कुल्फी इतनी ही अच्छी बनेगी। तो मैंने लिया है 1 कप घर की मलाई ली है, यानी दूध को बॉईल करने के बाद जो ताजी मलाई इसके ऊपर आ जाती है, मैंने वो लिया है। इससे हमारा दूध जो है और अच्छा ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने 2 टेबलस्पून लिया है मिल्क पाउडर, ये भी ऑप्शनल है। इससे भी हमारा जो दूध है वो काफी क्रीमी और रिच हो जाता है। तो ये दोनों चीजें अगर आपके पास हैं या कोई एक चीज है तो आप वो भी ले सकते हैं, वरना इन दोनों चीजों को आप स्किप कर सकते हैं। तो दूध में अब मैं डाल देती हूँ चीनी। आम मीठे हैं तो मैंने बस 4 ही टेबलस्पून लिए हैं। अगर आपके आम कम मीठे हो तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। दूध में डाल रही हूँ मैं ये चीनी, इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसे पकने दूंगी। तो देखिए दूध हमारा काफी थिक हो गया है, तकरीबन 1/3 ये रह ही गया है। अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर मिल्क पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और मलाई हम अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि मलाई अगर हम गर्म दूध में डाल देंगे तो वो घी छोड़ देगी। इसलिए जब ये दूध ठंडा हो जाएगा तो मलाई हम जब डालेंगे। 1 मिनट में इसको अच्छे से चला लेती हूँ ताकि इसमें जो भी लम्स वगैरह हैं वो ना रहे। फिर मैं अपनी गैस को बंद कर दूंगी। मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है, अब मैं अपनी गैस को बंद कर देती हूँ और इसको अपने दूध के मिक्सचर को अच्छे से ठंडा होने देती हूँ। दूध की जो हमने रबड़ी बनाई है वो ठंडी हो गई है। देखिए बिल्कुल बेहतरीन ये रबड़ी बनी है। अब मैं मिला देती हूँ इसके अंदर ये दूध की मलाई। अगर हम इसको गर्म दूध में डाल देते हैं तो फिर ये घी छोड़ देती, इसलिए मैंने इसको अभी मिलाया है। इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और आमों को मैंने छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आमों को मैंने ठंडा कर लिया था काटने के बाद, अब मैं इनको एक मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। सबसे पहले हम मैंगो की प्योरी बना लेते हैं। आमों की हमने प्योरी बना ली है, अब हम इसके अंदर डाल देते हैं अपनी ये जो रबड़ी हमने बनाई है, ये भी इसमें डाल देते हैं। और कुछ सेकंड के लिए हम इस दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इनको भी चला लेते हैं। अब मैं आमों के मिक्सचर को और दूध के मिक्सचर को अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। बहुत ज्यादा देर हमें नहीं करना है, सिर्फ हमें इनको अच्छे से मिक्स करना है और क्रीमी टेक्सचर देना है। कुल्फी का मिक्सचर तैयार हो गया है, ये देखिए कितना बेहतरीन और थिक मिक्सचर बना है हमारा। अब हम इसको कुल्फी के मोल्ड्स में डाल लेते हैं।
तो ये मैंने इस तरह के सिलिकॉन जिनके नीचे लगा हुआ है मोल्ड्स लिए हैं। आप कोई भी छोटे ग्लासेस या कप्स ले सकते हैं, या फिर अलग से स्टील के मोल्ड आते हैं कुल्फी के, वो भी ले सकते हैं। इनको मैं अब भर लेती हूँ। मैं सारे मोल्ड्स को भर लेती हूँ। तो देखिए मैंने सभी मोल्ड्स को फिल कर लिया है। अब मैं इनके कवर्स लगा देती हूँ। तो एक सेट मैंने भर के रख लिया है। इसी तरह से मेरे पास एक सेट और है, मैं इसे भी भर लूंगी और फिर इसको जमने के लिए फ्रीजर में रात भर के लिए या कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए मैं रख दूंगी और फिर मैं आपको कल दिखाती हूँ। तो हमारी मैंगो कुल्फी जम चुकी है, इसको मैंने रात भर के लिए फ्रीजर में रख दिया था। अब मैं इसको डीमोल्ड करूंगी और इससे पहले मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इस तरह से मैंने ये एक लगाया नहीं था, आपको दिखाना चाह रही थी कि आप कोई भी छोटा कप या फिर कोई भी जो आपके पास ग्लास वगैरह हो छोटा ग्लास, उसमें इस तरह से इसके मिक्सचर को डाल के उस पर फॉइल लगा दीजिए और उसमें एक कट लगा के और ये आइसक्रीम स्टिक लगा लीजिए, तो आपका काम बिल्कुल मोल्ड जैसा ही हो जाएगा। ये मैंने आपको दिखाने के लिए एक ऐसे ही किया था। तो सबसे पहले मैं इसको हल्के नीम गर्म पानी में कुछ सेकंड के लिए छोड़ देती हूँ। ये देखिए, तो देखिए तैयार है हमारी मैंगो कुल्फी। बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी और बाजार की मैंगो कुल्फी से किसी भी तरह से ये कम नहीं है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।